नमस्कार, आप देख रहे हैं रैबली समाचार। आज रेलवे स्टेशन परिसर में शिक्षक संघ के कई संगठन व रेलवे कर्मचारी जेएनयू के यहां पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनपीएस गो बैक की नारेबाजी कर रहे थे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये धरना आज चालू हुआ है, कब तक चलेगा, क्या मांगे हैं, कब तक रहेंगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे जो पिछले बहुत पहले से चल रही है, पुरानी पेंशन जो हमारे युवाओं की मुख्य जरूरत है, बुढ़ापे का सहारा है, जो हमारी भारत सरकार काफ़ी दिनों से मांग को नहीं मान रही है। 1/1/2004 के बाद जो हमारे रेल कर्मी भर्ती हुए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत रखा गया है, जो 1200-1500 के हिसाब से रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाती है। जो आज के समय में 1200-1500 क्या होता है आपको पता है। हमारी पूरी मांग है कि हमको पुरानी पेंशन जैसे पहले मिलती थी वैसे ही हमको मिलनी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया रेलवे मेंटेनेंस के आह्वान पर हम लोग भूख हड़ताल 8 तारीख से 11 तारीख तक पूरे 4 दिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रखने का इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं। महामंत्री के निर्देशानुसार लखनऊ में यहाँ और दिल्ली में सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। ये आज ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी रेलवे कर्मचारी और शिक्षा संघ के लोग और भी कई संगठन यहाँ पे आपके साथ धरने में, क्या कारण है? समर बहादुर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल संघ। आज हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के तत्वाधान में सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक भूख हड़ताल पर 8 तारीख से 11 तारीख तक बैठे हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और नई पेंशन हम लोगों को मंजूर नहीं है। जब विधायिका और सांसदों को पेंशन दी जाती है तो हमारे कर्मचारी, शिक्षक भाइयों को भी पुरानी पेंशन मिल सकती है। धन्यवाद। कौन कौन संगठन है यहाँ पे आपके साथ में? हमारे साथ तो रेलवे है, प्राथमिक शिक्षा संघ है, जिला हाईस्कूल शिक्षा संघ है और अन्य कर्मचारी इसमें शामिल है।